फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती से ज्यादा अदावत के किस्से मशहूर हैं। ये बात हीरो हीरोइन विलेन सब पर लागू होती है। ऐसी ही एक अदावत रौबदार आवाज के मालिक राजकुमार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बीच रही, जो 32 साल तक चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और जलवा में मैं हूँ आपके साथ मलिका मल्होत्रा। आज मूवी रिविजिट में हम आपको 9 अगस्त 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर के दौर में ले चलेंगे, लेकिन क्योंकि बात अदावत की हो रही है तो उसे समझने के लिए आपको कुछ और दशक पीछे चलना होगा। साल 1959 में एक फिल्म आई पैगाम। इस फिल्म में पहली बार राजकुमार और दिलीप कुमार साथ में काम कर रहे थे। दोनों तब इंडस्ट्री के बड़े एक्टर हुआ करते थे। दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग थी, दोनों का इंडस्ट्री में अपना रुतबा था। मगर फिल्म पैगाम के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के बीच मनमुटाव गहरा गया। बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दोनों ने साथ में कभी ना काम करने की कसम तक खा ली थी, और फिर ये कसम 32 साल बाद टूटी। पैगाम के 32 साल बाद साल 1991 में एक बार फिर से वो संजोग बना जब दोनों स्टार्स को एक साथ काम करने का ऑफर मिला। दिग्गज फिल्म निर्देशक सुभाष खई ने सौदागर में दोनों को कास्ट करना चाहा, लेकिन 32 साल बाद भी राजकुमार और दिलीप कुमार की ठसक वैसी ही थी जो पैगाम के जमाने में थी। ये इतना आसान नहीं था क्योंकि दोनों की दोस्ती इतनी लंबी नहीं थी जितना लंबा सफर दुश्मनी ने तय किया था। शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बाद के दिनों में सुभाष खई ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने सीख लिया था कि मुझे कैसे ईगो वाले एक्टर्स को हैंडल करना है। मैं राज के कान में कहता था कि दिलीप साहब उनकी तारीफ कर रहे थे, और दिलीप के कान में कहता था कि राज उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। मैं दिलीप कुमार को बताते रहता था कि कैसे राजकुमार उनकी एक्टिंग के फैन है। धीरे धीरे उनके बीच का मनमुटाव दूर हो गया और दोनों दोस्त बन गए थे। सौदागर पूरी तरह से राजकुमार और दिलीप कुमार की फिल्म थी। हालांकि मनीषा कोइराला और विवेक मिश्रान भी इस फिल्म से बतौर हीरो हीरोइन अपनी शुरुआत कर रहे थे। फिल्म की कहानी दो जिगरी दोस्तों की कहानी है, एक अमीर राजेश्वर सिंह जिसकी भूमिका में राजकुमार है, और दूसरा है दादा वीर उर्फ वीर सिंह जिसकी भूमिका में दिलीप कुमार है। दोनों एक दूसरे को राजू और वीरू बुलाते हैं। राजेश्वर की बहन वीर सिंह को पसंद करती है। रिश्ते से राजेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की शादी का फैसला होता है, मगर तभी दूसरी ओर वीर सिंह के गांव में एक लड़की की शादी दहेज की वजह से टूट जाती है, और वीर सिंह को अचानक उस लड़की से शादी करनी पड़ती है। ये सुनकर राजेश्वर की बहन का दिल टूट जाता है और वो खुदकुशी कर लेती है। यहीं से फिल्म की असल शुरुआत होती है। राजेश्वर दादावीर को अपना जानी दुश्मन मान लेता है। सौदागर एक कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की कहानी से ज्यादा लोगों को राजकुमार और दिलीप कुमार को एक साथ देखने में मजा आया। फिल्म के गीत आज भी नहीं भूले होंगे आप, मसलन इलू इलू क्या है या फिर इमली का बूटा। आनंद बख्शी के लिखे इन गीतों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने कमाल कर दिया। फिल्म में दिलीप कुमार राजकुमार के अलावा मनीषा कोइराला, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, दीना पाठक और गुलशन ग्रोवर जैसे सितारे भी हैं। सौदागर के लिए सुभाष खई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। फिल्म में सितारे तो खूब हैं, मगर हीरो सिर्फ राजकुमार और दिलीप कुमार। जलवा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और देखते रहिए आज तक डिजिटल।